टर्की दोस्तों एक ऐसा खूबसूरत दर्जे का देश है जो अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर और आज के दिन अपनी कमाल की ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आज स्पेशली दोस्तों इसकी खूबसूरत सिटी इस्तांबुल तो पूरी दुनिया में बड़ी ही ज़्यादा फेमस है। काफ़ी सारे इंडियंस भी दोस्तों हर साल टर्की को विज़िट करने ज़रूर जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सी ऐसी वजहें हैं जिनके चलते इंडिया आज के दिन भी टर्की से 100 गुना ज़्यादा बेटर कंट्री है ज़िंदगी जीने के लिए? कई बड़ी रिपोर्ट्स को रीड करने के बाद और डाटा एनालिसिस करने के बाद और लोगों के दोस्तों रिव्यूज़ के बाद हम आपको कुछ ऐसे कारण बताने वाले हैं जिससे ये बात साबित होने वाली है कि इंडिया ना ज़िंदगी जीने के लिए टर्की के मुकाबले ज़्यादा बेटर कंट्री है। तो चलिए, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नाम आता है फेस्टिवल्स का। फेस्टिवल्स के मामले में दोस्तों ना सिर्फ टर्की बल्कि दुनिया का शायद ना कोई भी देश इंडिया के साथ बिल्कुल कंपीट कर ही नहीं सकता। इंडिया में हर मंथ दोस्तों हर महीने आपको कोई ना कोई बड़े लेवल का, कमाल लेवल का फेस्टिवल देखने को मिल ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टर्की भले ही इनका कल्चर, इनकी हिस्ट्री बेहद ही ज़्यादा विशाल क्यों ना रही हो, लेकिन फेस्टिवल्स के मामले में ये देश आज भी इंडिया के साथ बिल्कुल कम्पीट करता हुआ नज़र नहीं आता। और दोस्तों फेस्टिवल्स ज़िंदगी में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये तो 2021 की एक रिपोर्ट भी साबित कर चुकी है, जिसमें नैदरलैंड्स के एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जहाँ पर ज़्यादा फेस्टिवल्स लोग मनाते हैं वहाँ पर लोगों का डिप्रेशन में जाने का कारण काफ़ी सारा कम हो जाता है। डिप्रेशन में वहाँ कम लोग जाते हैं जहाँ लोग ज़्यादा फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। नंबर दो पर दोस्तों यहाँ पर नाम आता है फूड का। फूड के मामले में आज के दिन इंडिया के साथ बहुत ही कम देश टक्कर ले पाते हैं। वैसे टर्किश फूड भी दोस्तों कमाल ज़रूर होता है, लेकिन इंडियन फूड के सामने टर्की के फूड का स्वाद भी पूरी तरह से फीका लगता है। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन खाने के शौकीन हैं फिर तो दोस्तों आपके पास कोई खास ऑप्शन बचती ही नहीं है टर्की में। लेकिन इंडिया अपने देश में आपको दोस्तों वेजिटेरियन फूड्स की कोई भी कमी बिल्कुल नज़र आने नहीं वाली। यही वजह कि फूड के मामले में एक बार फिर से टर्की इंडिया के सामने आपको पूरी तरह से फीका पड़ता हुआ नज़र आ जाएगा। नंबर तीन पर दोस्तों यहां पर नाम आता है डिफेंस एंड मिलिट्री बजट। किसी भी देश के लिए दोस्तों आज के दिन अगर अपने रुतबे को पूरी दुनिया में बढ़ा रखना है ना तो डिफेंस और मिलिट्री बजट बहुत बड़ा होना चाहिए, और इस मामले में इंडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया का डिफेंस बजट आज के दिन 64.1 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इस मामले में इंडिया से ऊपर आपको सिर्फ स्टेट्स और चाइना ही नज़र आने वाले हैं। लेकिन वहीं टर्की का आज के दिन रक्षा बजट है दोस्तों सिर्फ 9.6 बिलियन US डॉलर। और इस तरीके से दोस्तों डिफेंस के मामले में टर्की काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ता हुआ आपको नज़र आता है इंडिया के सामने। और साथ ही मिलिट्री बजट में भी अगर इंडिया का आप पूरा मिलिट्री एक्सपेंडिचर बजट देखोगे तो ये है 72.9 बिलियन US डॉलर का। इस तरीके से इस मामले में भी इंडिया से ऊपर आपको सिर्फ दो देश नज़र आएंगे जो कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। तो वहीं टर्की का दोस्तों आज के दिन मिलिट्री एक्सपेंडिचर का बजट है 14.2 बिलियन US डॉलर का। इस मामले में भी दोस्तों टर्की इंडिया के साथ कंपीट करता हुआ आपको बिल्कुल ही नज़र आने नहीं वाला। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इकॉनमी की। इकॉनमी के चलते दोस्तों आज के दिन इंडिया का बोलबाला पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया का फोकस है इंडियन इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि आज के दिन इंडिया की नॉमिनल जीडीपी बढ़ते बढ़ते 3.2 ट्रिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। और इंडिया दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। हालांकि जल्दी ही हम यूके को पछाड़कर नंबर 5 पर आने वाले हैं। हालांकि टर्की दूसरी तरफ इस मामले में भी काफ़ी पीछे रह चुका है और इनकी नॉमिनल जीडीपी 795 बिलियन US डॉलर के आसपास है। और इस मामले में टर्की की रैंक वर्ल्ड लेवल पर है नंबर 21 पर, यानी इस मामले में भी टर्की इंडिया से बहुत ज़्यादा पछड़ चुका है। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है यहाँ लैंग्वेज बैरियर। टर्की में दोस्तों मेनली ज़्यादातर लोग ना आपको टर्किश भाषा में ही बात करते हुए नज़र आ जाएंगे। यही वजह कि बहुत सारे टूरिस्ट को और बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पर सेटल्ड होने जाते हैं उन्हें लैंग्वेज के चलते काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक तरफ हमारे इंडिया को देखिए, यहाँ पर
ज़्यादातर लोगों को अच्छी खासी इंग्लिश बोलने आती है, जिसके चलते लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम आपको इंडिया में आकर बिल्कुल ही नहीं होने वाली। तो इस मामले में भी टर्की इंडिया के सामने आपको फीका पड़ता हुआ दोस्तों पूरा नज़र आएगा। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है लॉयल वाइफ को लेकर। एक सर्वे में ये बात सामने आई थी कि टर्की में जितने भी कपल्स की शादी होती है उनमें से दोस्तों 43% महिलाओं का आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले 3 साल के अंदर ही देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों एक सर्वे का कहना था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और रिश्तों के मामले में भी दोस्तों इंडिया बहुत ही ज़्यादा आपको बेटर कंट्री साबित होता हुआ नज़र आएगा टर्की के मुकाबले। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है यंगस्टर पॉपुलेशन। आज के दिन दोस्तों इंडिया के पास जितनी ज़्यादा यंग यूथ है ना, उतने ज़्यादा यंगस्टर्स पूरी दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। एक तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसमें से आपको अधिकतम पॉपुलेशन 20 से 30 साल के बीच में ही नज़र आ जाएगी, जिसके चलते इंडिया की इकॉनमी आने वाले समय में बूम करने वाली है, क्योंकि यंगस्टर्स की पावर के चलते इंडिया की इकॉनमी आने वाले समय में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की दोस्तों आज के दिन मीडियन एवरेज एज है सिर्फ 28 साल, तो वहीं टर्की की मीडियन एवरेज एज है 31 साल के आसपास। फ़र्क यह सिर्फ 3 साल का लगता है, लेकिन एवरेज एज में दोस्तों 1 साल से ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में जो कि 135 करोड़ की है, उसमें आपको तकरीबन 35% लोग तो 20 से 30 साल की एज में ही नज़र आ जाएंगे, जिसके चलते आने वाले समय में इंडिया की तरक्की बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बड़े लेवल पर होने वाली है। इस मामले में भी टर्की इंडिया के सामने आपको फीका पड़ता हुआ पूरा नज़र आता है। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस को लेकर। इंडिया टर्की के मुकाबले आपको बेहद ही ज़्यादा सस्ते लेवल का देश देखने को मिल जाएगा, चाहे फूड की बात करें तो चाहे दोस्तों हाउस प्राइस की। इंडिया में आपको हाउसेस टर्की के मुकाबले 6 गुना तक सस्ते देखने को मिलेंगे, तो वहीं दोस्तों फूड भी इंडिया में टर्की के मुकाबले आपको 3 गुना तक ज़्यादा चीप देखने को मिल जाएगा। तो यानी लाइफस्टाइल दोस्तों कम पैसों में ही आप ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पाओगे इंडिया में रहते हुए। वैसे आपका क्या कहना है, क्या इन मामलों के चलते सही में इंडिया टर्की से ज़्यादा बेटर कंट्री है ज़िंदगी जीने के लिए? नीचे कमेंट में आप सब अपनी राय ज़रूर देना, और ऐसी वीडियोज़ हमें आपके लिए डेली बनानी है। तो अभी दोस्तों आप अपना खुद का चैनल रॉक फैक्ट सब्सक्राइब कीजिए।